वीकली कॉन्टेस्ट 401 की फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, फाइंड द चाइल्ड हु हैज द बॉल आफ्टर 3 सेकेंड्स। हमें एन चिल्ड्रन दिए हुए हैं और एक हमें के दिया हुआ है। हमें एन जैसे 3 दिया है तो हमारे 0, 1, 2 इस तरह से 3 चिल्ड्रन है। स्टार्टिंग में 0 चिल्ड्रन के पास बॉल है, फिर ये 0 चिल्ड्रन फर्स्ट चिल्ड्रन को बॉल पास करेगा, फर्स्ट चिल्ड्रन सेकेंड चिल्ड्रन को पास करेगा। फिर जब हमारा एंड में पहुंच जाएगा तो हमारे पास की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, सेकेंड फर्स्ट को पास करेगा, फर्स्ट 0 को पास करेगा। और जब ये एक बार में एक चिल्ड्रन दूसरे चिल्ड्रन को बॉल दे रहा है तो उसे एक पास कह रहे हैं। इस तरह से हमारे पास के पासिस है, जैसे के 5 दिया है तो टोटल 5 पास होंगे। जैसे अभी देखें 1, 2, 3, 4, 4 पास हुए। फिर जब फिर से 0 पर आ जाएगा फिर से हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। 5 पास के बाद जिस चिल्ड्रन के पास बॉल होगी हमें वो रिटर्न करना है। हमारे किसके पास है, फर्स्ट चाइल्ड के पास बॉल है तो हमें वो रिटर्न करना है। सिमिलरली हमें एन 5 दिया है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमारे चिल्ड्रन होंगे। स्टार्टिंग में 0th 1 को देगा, 1 second को देगा, 2nd 3rd को देगा, 3rd हमारा 4th को देगा। 4 पास में हमारा एंड पर पहुंच जाएगा। हमारे पास पासेस कितने थे, 6 थे, तो फिर हमारी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। 4 हमारा 3 को देगा, 3 हमारा 2 को देगा, हमारे 6 पास हो गए और बॉल किसके पास है, हमारे सेकंड चिल्ड्रन के पास, तो हमें वो रिटर्न करना। अब एक तरीका तो क्या है कि हम इस पूरे प्रोसेस को साइमुलेट करें कि जितने भी हमारे पासेस है हर बार देख ले किस चाइल्ड के पास है और फिर kth पास के बाद जिस चाइल्ड के पास है वो रिटर्न कर दे। बेटर तरीका क्या है, अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे 5 चाइल्ड थे तो 4 पासिस में हमारी बॉल एक से दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी। सिमिलरली अगर एंड पर होगी तो 4 पासिस के बाद स्टार्ट पर आ जाएगी। तो हमारे एन चिल्ड्रन होंगे तो एन माइनस 1 इतने पासिस में एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रेवल्स कर जाएगी। जैसे हमारे अगर 4 ही पास होते तो यहाँ पर 4 चिल्ड्रन पर पहुंच जाती, 8 पास होते तो हमारे 0 पर आ जाती। तो अगर हम ये निकाल लें कि हमारी टोटल इस तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रिप्स कितनी है, उसमें तो हमारा आइदर 0 या 4th उतने इंडेक्स पर ही हमारी बॉल होगी। फिर उसके बाद बचे हुए पासिस को हम देख लें कि किस चिल्ड्रन पर बॉल पहुंचेगी। जैसे 6 थे तो 4 पास में तो यहाँ पर पहुंचेगी और फिर 2 पासिस में ये 2 चिल्ड्रन पर आ जाएगी। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली के मोड एन माइनस 1 करके। एन माइनस 1 क्यों, क्योंकि हमारे एन माइनस 1 एन चाइल्ड थे तो एन माइनस 1 पासिस में एक एंड से दूसरे एंड पर बॉल जा रही है। तो हमें जितने पासिस दिए थे उससे हमारे नंबर ऑफ ये ट्रिप्स आ जाएंगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड कितनी हमें टोटल ट्रिप्स लग रही है। फिर अगर ये हमारी ट्रिप्स इवन है, इवन हुई तो क्या हुआ, हमारा वापस 0 पर आएगी बॉल, ऑड हुई तो हमारी एंड 4 पर आएगी। तो अगर हमारे ट्रिप्स इवन है तो हमारा यहां पर आ गई, 0 पर आ गई, और हमने जो इसका रिमाइंडर लिया के मोड एन माइनस 1, इससे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा कि कितने हमारे पासिस बचे हैं, तो उतने पासिस हम फॉरवर्ड भेज देंगे। हमारे अगर 2 पासिस बचे होते जैसे 10 दिया होता तो हमारा 8 में तो वापस 0 पर आ जाता, फिर 2 पासिस फॉरवर्ड बचते तो जितने पासिस बचे होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये हमारा रिमाइंडर है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा अगर हमारे ट्रिप्स इवन है। अगर ओड है तो क्या होगा, 4 से 2 पीछे की तरफ, यानी कि हमारा एन माइनस 1 ये लास्ट चाइल्ड था, इससे माइनस रिमाइंडर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा ट्रिप साइज क्या होगा कि जितना हमारे चाइल्ड थे एन माइनस 1 में एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी। हम टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कैसे निकालेंगे, के डिवाइडेड बाय ट्रिप साइज, हमारी टोटल ट्रिप्स आ गई और रिमाइंडर किससे आ जाएगा, के मोड ट्रिप साइज इससे आ जाएगा। फिर अगर हमारी ट्रिप्स इवन है यानी कि 0 पर है और उसके बाद हमें रिमेनिंग पास करने हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अगर ये ओड है तो हमारी लास्ट में है और बचे हुए पासिस हमें लेफ्ट साइड में करने हैं तो हमारा एन माइनस 1 लास्ट चाइल्ड माइनस रिमाइंडर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला ही बन रहा है, तो हमारा ओ ऑफ 1 टाइम आ जाएगा और स्पेस हमने कुछ लिया नहीं तो ओ ऑफ 1 ही हमारा स्पेस भी आ जाएगा। थैंक यू गाइस।